तीसरा मामला अजीब है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरा मामले में और चौथा भी इसमें दसा जावे। देखो दो मामले थे तो ये रोन क्यों लग रहे जी? हाँ जी क्यों रो रहे हो, क्या बात होगी बताओ बताओ। अच्छा जी क्या लगा था आपका पोता था? अच्छा दो लड़कियां पर होया था, फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा किसकी कमी मान लो आप? अच्छा अच्छा मामला किसका होया था बच्चा जी? अच्छा तो फिर उसमें क्या बात होगी? ऐसे मारा था। अच्छा फिर भी क्या कहा डॉक्टर ने? अब तो वहाँ पे पहले 112 की टीम आई, वे बोले आपकी लड़की को ले जो, जो ट्रीटमेंट नहीं होता है तो भीम सिंह और साथ में जो पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं मामले को लेकर, जो बच्चे की मौत है ये प्रशासन से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ मामला निकला है प्रशासन को लेकर जी? ये हमारे साहब कह रहे हैं कि भाई थाने में एप्लीकेशन दो, फिर हम इसकी कार्रवाई करेंगे डॉक्टर के, हम इस डॉक्टर को भागने नहीं देंगे ना। तो आपने कल से अभी तक नहीं एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन तो जब देंगे। अब हम असतो साहब हमारे पास आए थे वहाँ पे, पहले 112 की टीम आई, वे बोले आपकी लड़की को ले जो, जो ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। अब हम वहाँ पे जाएंगे फिर कार्रवाई करवाएंगे, अभी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों रोने लग रहे हो जी, क्या कारण है? ये रोन क्यों लग रहे जी? हाँ जी क्यों रो रहे हो, क्या बात होगी बताओ बताओ। अच्छा जी क्या लगा था आपका? पोता था। अच्छा दो लड़कियां पर होया था, फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा किसकी कमी मान लो आप? अच्छा अच्छा कम कितनी भेजे थे? किसी ने भेजे थे गेड़ा? अच्छा डॉक्टर डॉक्टर है ही नहीं कोई। महिला रोती हो, इसका पोता था, दो पोतिया पे पोता होया था, और देखो जी दुनिया में नहीं आंसू देख सकते हैं, कुकर रोन लग रहे हैं, मतलब परिवार में कह रहा सदमा है। ये देखो भाई ये अस्पताल है, ये देखो बार बुलाओ भाई जी, आपका नाम राहुल है नाम जी, का मामला किस तरह क्या हुआ है? ये दो तीन दिन पहले का मामला है जी, मेरी लड़की जी छोटी जी जो यहाँ पे लेकर आई थी डिलीवरी लिए, उसके कोई थाने में चलो बाद में बात कर रहे हैं, अब थाने में जा रहे हैं, एफआईआर करवाएंगे थाने में, जो होगा वहाँ पे होगा, डॉक्टर साहब को भी वहीं बुलवाएंगे। क्या थाना में जा रहे हैं, क्या मांग रहेगी आप? अजी भाई साहब बोलो बोलो, बोलने की तमीज नहीं है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कह रहे हैं इनका तेरा के मैटर है, मेरा बच्चा गुजरे है, मेरा मैटर ही नहीं। अच्छा आपका मैटर ही नहीं कह रहे हैं? हाँ मैडम बोलना सीखो, इसने डॉक्टर बना दिया, ऐसे ऐसे करके बात कर रही है। अच्छा ये आपकी माता जी है जो रो रही है, ये आपकी माता जी है? इनका बच्चा गुजरा है, इनका मेरा बच्चा है। अच्छा बिल्कुल अच्छा जी, कितने पैसे दिए हैं? कैश में दिए? कितने दिए पहले पीछे? किसको है, किसके हाथ में पता आपको? डॉक्टर अमित है या कोई और था? ना यू डॉक्टर, यू तो सब वहाँ बैठा, मैंने नाम का तो पता नहीं। डॉक्टर अमित हाँ, इसको पैसे दिए आपने? ठीक है, लेकिन वो इसको बोल रहे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, इसलिए क्या सर पता है जब हमारा बच्चा नहीं, बच्चा नहीं तो पीछे हमारा के काम है हॉस्पिटल में मौजूद थी, मैं बोला मैम वहाँ मैं यहाँ पर नहीं था, उनका तेरा क्या मैटर, मेरा मैटर ही नहीं, ऐसे ऐसे करके बात कर रही है, ऐसे ऐसे करके ये किसने डॉक्टर बनाया, पता नहीं बोलना कैसे है, मेरा मैटर नहीं, मेरा बच्चा बच गया, मेरा मैटर नहीं। लड़के के परिवार वाले से जो लड़का हुआ था, लड़का का था, लेकिन ये यही कह रहे भाई साहब, मैं क्या मेरी बात सुनो, वो ये विश्वास आज वो भी डॉक्टर ने उठा दिया, डॉक्टर ने उठाया पब्लिक पर विश्वास उठा दिया, ये सारे जिसने ऑपरेशन करना यहाँ पर जो इंजेक्शन वगैरह है जो सीसी है वो है, दिखाओ बुलाओ नर्सन है, बुलाओ वो हम देख लेंगे नर्सन है कौन सा, स्लीपर ने जो इंजेक्शन लगाया था, स्लीपर ने खुद इंजेक्शन ला दी थी, वे झाड़ू पोछा देखा अपनी आंखों से, मम्मी देखा जो मेरी जनानी वहाँ पे थी एडमिट परले में, जब भी वे ही करती थी रात को, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते थे रात को, मेरी जनानी को जब लैट्रिन पेशाब नहीं आ रहा था घर पे पड़ी थी,
मैंने डॉक्टर साहब लिए फोन करा, इन्होंने स्विच ऑफ किया, फोन नहीं उठा। फिर लड़की को या कुछ ज्यादा सीरियस हो चुकी है, मैंने फोन करा फोन। तो भैया आप देख सकते हैं ये अस्पताल है जहाँ पर दो महिलाओं की डिलीवरी हुई थी और कहीं ना कहीं एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे और दोनों की मौत हो चुकी है। जो परिवार वाले हैं उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही पर आरोप लगाया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, जिसको लेकर इन्होंने एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके राय रखें। आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर है, नरवाना में दो महिलाओं की डिलीवरी थी और कहीं ना कहीं उन दो बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में नरवाना से जो प्रशासन है पहुँच, आप कहाँ से? तीसरा मामला है, तीसरा मामला है जी। फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरा मामला में, चौथा भी इसमें दसा जावे। देखो दो मामले से हो, मैं यहीं से हूँ, नरवाना से। आपके कितने दिन पहले ये मामला है? 6-7 महीने पहले। किसका हुआ था बच्चा जी? मेरा हुआ था। अच्छा, तो फिर उस समय क्या बात होगी? ऐसे ही मारा था। अच्छा, फिर भी क्या कहा डॉक्टर ने? अब तो कुछ नहीं जी, मेरे तो सीमा ने ऑपरेशन करके दो ऑपरेशन से बच्चा उठा जी मेरा। अच्छा। 1.5-2 लाख रुपए लाख का पेंडा सूटा जी। इसे हॉस्पिटल में आया? तो इनती क्या गया फिर? जो मौत बच्चे की मौत कुकर हुई, बताया नहीं इन रात ने मार दिया था जी बच्चा, तो पैदा ही नहीं करे अंदर ही अंदर मार दिया था जी। घटी में वैसे फंस रहा था बच्चा, ऐसे ही मर गया था मेरा, तो इन खत्म ही कर दिया था रात ने। नानू पिया भी तेरा बच्चा मर गया, रेफर करा ना कुछ नहीं था इनके। तो ठीक है, तो दो मामले सामने थे, तीसरा मामला, ये तीसरा मामला भी आया है इस महिला का बच्चा भी 3-4 महीने पहले की बात है। चाहते हो हॉस्पिटल के खिलाफ या डॉक्टर के खिलाफ? ये चाहते हैं जी भाई, क्यों किसी ऐसा करे किसी के साथ, बिचारिया के साथ? या नहीं करना आता तो जवाब दे दो, और नहीं अगली कार्रवाई करोगे चीज के खिलाफ। ठीक है, ये चाहते हैं। धन्यवाद।